शनि अमावस्या की जो पुण्य मुख्य तिथि है, इसमें यह पितृमोक्ष अमावस्या और शनि अमावस्या दोनों साथ में है। तो हम पितरों के उद्धार के लिए शनि भगवान की आराधना और शनि भगवान का पूजन, अभिषेक और इसका महत्व मैं आपको बता देता हूँ। शनि महाराज जो कि सूर्य जी के पुत्र हैं, भगवान सूर्य के पुत्र हैं, तो सूर्य को प्रसन्न करने के लिए हम पितरों के उद्धार के लिए प्रातःकालीन उठ करके अपने निकट जो भी तीर्थ हों, गंगा, नर्मदा, शिप्रा, ताप्ती, इन तीर्थों पर जाकर के स्नान करें, या फिर अपने घर पर ही गंगा जल, नर्मदा जल डाल करके स्नान करें और पितरों का तर्पण, पिंडदान, पूजन कर्म करें। उसके पश्चात हम शनि अमावस्या पर शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान शनि महाराज को सरसों का तेल का दीपक लगाएं, जौ, काली तिल और काला कपड़ा, काली खिल्ली, एक खिल्ली लोहे का पदार्थ, वस्त्र और तांबे का पात्र में जल लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ प्रदान करें। भगवान सूर्य को अर्घ दें और भगवान शनि का मंत्र का जाप करें, ओम सम शनेश्वराय नमः, और पितरों का भी आह्वान करते हुए पितरों का मंत्र का जाप करें, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। इसी प्रकार से पितृ देवता भी प्रसन्न होंगे और भगवान शनि की कृपा हम सभी पर, भक्तों पर सदैव बनी रहेगी। शनि चालीसा का पाठ करें, शनि मंत्र का जाप करें और पेड़ के, पीपल के पेड़ के पास दीपक लगाएं, घी का दीपक लगाएं, इससे पितृ देवता प्रसन्न रहेंगे और पीपल के पेड़ में शक्कर, चावल, काली तिल, इन सभी को अर्पित करें।